व्यूअर, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये माशाल्लाह से आज 18 दिन का हो गया है। अभी तक हमने जो इसने कितने बैग खिलाए हैं, हम रोज़ाना बेस पे इसकी कितनी फीड दे रहे हैं, ठीक है, और ये कितनी फीड खा रहा है। अभी इसने 18 दिन में कितनी याफ्सियात दी है, और आपसे दोस्तों से सारी बातें शेयर करूँगा। और अभी भी बाहर बारिश हो रही है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको बताऊँगा कि हमने टेम्परेचर इसका कैसे अच्छा सा मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन इससे पहले यार, इतने लोग आप लोग देख रहे होते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि हम अपने फॉर्म के ऊपर करते हैं, ठीक है। अभी ये जो आप देख सकते हैं हमारे पास जो माल मौजूद है, ये कितना हेल्दी एंड एक्टिव है। आपको टेम्परेचर की भी सिचुएशन दिखाते हैं, बाहर बारिश हो रही है और आप ये टेम्परेचर दे सकते हैं 33.7। हमने इसको हीट सोर्स के तौर पर एक चूल्हा गैस कर दिया, वही चलता है। हमने सिर्फ इसको ये देखें पूरी तरह पैक नहीं किया, हमने इसके लिए ये सामने अगर आप फुली तौर पर पैक कर देंगे तो उससे आपका जानवर जो है वो डिस्टर्ब होगा, उससे आँखों के मसाइल और ये सारे मसाइल होंगे। तो फिर आपको बताते चलें कि हमने इसने अभी तक 3 बैग खा लिए हैं और ये माशाल्लाह स्टार्टर बैग जो है, आज इसका वेट जो है वो 100 ग्राम्स है, मतलब 100 ग्राम का ये माशाल्लाह से एवरेज बॉडी वेट इसका हो गया है। अभी तक तकरीबन 28 इसकी जो 22.8 जो है इसकी FCR आ रही है, मतलब एक बैग पीछे इसने हमें जो वेट दिया वो 22.8 किलो दिया, 25 किलोग्राम की इसने बैग खा के, ठीक है। अच्छा पेपर, और बताते चले कि अभी तक 2 वैक्सीनें कर दी हमने, ND IB और गंबोरो की वैक्सीन हमने 14 दिन पर, और ND IB की हमने जो है वो 5वें दिन पे की थी। अब हम 21 दिन पे ND लेसोटा रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। और ये सारे का सारा मुर्गा है माशाल्लाह से वीवर, और आप देख सकते हैं इसकी एक्टिव पन और इसकी भाग दौड़ से आप चेक कर सकते हैं, दर्जा रात पूरी तरह मेंटेन है, ठीक है। और हम इसको जो है फीड अटलांटिक की दे रहे हैं, ठीक है, आप देख लें ये फीड भी अच्छी तरह से खा रहा है, ठीक है। और हमने इसको जो विटामिन दे रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है, वो वाइटासोल सुपर दे रहे हैं। शुरू के 14 दिन में हमने इसको, पहले 10 दिन हम इसको एंड्रोसिन प्लस कोलिस्ट्रीन वो चलाते रहे एंटीबायोटिक, ठीक है। फिर हमने 3-4 दिन का बीच में वो ब्रूफिन के साथ लाजमी हम देते रहे। अब हम इसको चूँकि मौसम ख़राब है तो हम इसको एंटीबायोटिक का कोर्स करवा रहे हैं। आज 3रा दिन है जिसमें हम जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है बुखार के लिए हम और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और वो जो हमारे पास मेडिसिन है वो आपको बताता चलूँ, वो टैलोफर्सिन हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बुखार के लिए, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए, ठीक है। और इससे हमारा चूज़ा माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और आप इसके जो विटामिन हम इसके लिए प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं वो वाइटासोल सुपर है। वाइटासोल सुपर आपको पता है 1250 रुपये का, 350 ग्राम्स का जो है वो आपको मिल सकता है। वेट गेन के लिए हम जो इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो SP 100 या हम प्रीमिक्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अब, ठीक है। तो 1-2 दिन में हम वो भी स्टार्ट कर देंगे ताकि इसका वेट गेन अच्छा आए। तो पानी हम 2 टाइम चेंज कर देते हैं, फीडिंग का शेड्यूल हम 3 टाइम रखा हुआ है, सुबह 6 बजे, फिर उसके बाद दोपहर को 2 बजे और 1 से 2 बजे के दरमियान, फिर शाम को 8 से 9 के दरमियान हम इसको फीडिंग कर देते हैं। शाम को ज़रा ज़्यादा फीड देते हैं, फीड अनलिमिटेड ही दे रहे हैं हम इसको, फीड जो है वो काउंटेबल नहीं दे रहे क्योंकि अभी तो इसकी FCR बननी है। अभी जितनी हम फीड देंगे उतनी ज़्यादा इसकी FCR होगी।